एंटी नार्कोटिक सेल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा कि नशे की मेल लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। एंटी नार्कोटिक सेल पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन रंजीत सिंह ने लुधियाना में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पंजाब में नशे की मेन लाइन पूरी तरह से टूट चुकी है। जो लोग बड़े लेवल पर नशे की तस्करी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह शिकंजा कसा जा चुका है, फिर भी छोटे लेवल पर नौजवानों को ढूंढकर उन्हें फ्री में नशा देकर नशे के आदि बनाया जा रहा है। इसलिए पुलिस को सिफारिश की है यदि किसी के पास 1 ग्राम भी नशा पकड़ा गया तो उससे सख्त सजा दी जाएगी। असता है कहने है कि पंजाब च नशा टोटल बंद होना चाहिए है। नशा कोई भी है माड़ा नशा था सिर्फ इंसान नू रोटी का ते काम का ही होना चाहिए है। लोग कहते हैं पुराने बुजुर्ग साल 2 साल 4 साल देने जेड़ा मजदूरी बुजुर्ग कर रहे हैं जिन्हों आदत सी वो आज मतलब पिछले 20 साल तो 30 साल तो कर रहे हैं पर उदी एज भी तो 2-4 साल है नहीं उदी 2-4 साल 5 साल की एज है उदे पिछे आने वाली पनीरी थोड़ा खराब करनी है फिर तो घर च ही नशा हो जाएगा हर एक दे अपनी वार्ड ला के खेत से उत्थे बीजा करेगा वो पहला आप लगेगा बाकी उन्हें देने दे। कैप्टन साहब ते सिद्धू साहब दा कर रहे ने नहीं कैप्टन साहब ने तो कोई समर्थन नहीं किया जी सिद्धू साहब कर रहे हैं जी उन्हां दी मर्जी है सरकार तुहाडी है ये सरकार साडी है पर देखो हर 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 इंसान दे अपने विचार ने डॉक्टर गांधी ने पटियाले तो कहा सी पर उन्होंने इको कोई उद्घाटन भी किया किसी थां ते जाके पर ये गलत है जी। लुधियाना से अभिषेक बहल सिटी होम न्यूज़।